हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि UEE पर वीडियो लाइए, तो UEE पर वीडियो आ चुकी है। इसमें UEE के टॉप 20 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको PDF या फिर नोट्स चाहिए तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इंस्टा या फिर FB से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हमें DM कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपने कमेंट किया था कि सर UEE के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो यहाँ पर UEE का फर्स्ट चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो सारे यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निर्वात यानी वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की चाल है, यानी कि बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कितनी स्पीड से चलता है हमारा निर्वात में प्रकाश। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं यहाँ पर। पहला है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड है 4×10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड है 5×10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड डी नंबर है 9×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो काफ़ी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, वैक्यूम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिदीप्त का अर्थ है, प्रतिदीप्त जो होती है इल्यूमिनेशन, उसका क्या अर्थ होता है? जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो, या फिर जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर ए आंसर जो है, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो, तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर आपको इन चार ऑप्शन में जो सही है वो भरना है। तो पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। ऊर्जा का एक रूप है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो छाया ऊर्जा का एक रूप है, यहीं गलत हो जाएगा। यहाँ पर प्रकाश जो बी नंबर है, ये यहाँ पर सही है, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसे हम अपनी आंखों से आसानी से या स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, प्रकाश। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या होता है जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और वह उससे गुजर नहीं पाता है? छाया यानी कि शैडो बनता है। प्रकाश किसी भी प्रकार से गुजर जाता है, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होता है जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और उससे गुजर नहीं पाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, शैडो, यानी कि जैसे आप कहीं खड़े हुए हैं तो आपके शरीर से प्रकाश, आपके शरीर पर प्रकाश पड़ता है, तो और आपके शरीर को पार करके नहीं जा पाता है, तो वहाँ पर आपके अपोजिट साइड एक शैडो बन जाती है, छाया। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, शैडो यानी कि छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश तरंग दैर्ध्य की सीमा होती है। जो हम लोग अपनी आंखों से प्रकाश देखते हैं उसकी तरंग दैर्ध्य की सीमा यहाँ पर बताना है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप अगर एग्ज़ाम में आ गया होता तो आप शायद ना बता पाते इसको, इसलिए अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है, 0.39 to 0.77 नैनोमीटर, यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। इतनी लिमिट होती है हमारी तरंग दैर्ध्य की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन की। किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण को देखा जा सकता है? किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण को आसानी से देखा जा सकता है? तो पहला है अवरक्त प्रकाश, दूसरा है पराबैंगनी प्रकाश, और तीसरा है एक्स किरणें, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा प्रकाश है जिन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण से नहीं देखा जा सकता? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ से इनमें से कोई नहीं, इनको अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये ऐसे प्रकाश होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो जो हम लोग अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देख पाते हैं वहाँ पर लिमिट पूछी गई थी, यहाँ पर हमारी तरंग दैर्ध्य पूछी जा रही है कि कितनी होती है तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि अगर हम एंगस्ट्रॉम में बात करें, यहाँ पर मीटर में दिखाया गया, एंगस्ट्रॉम में होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये है ए ऑप्शन, हमारे यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति कितनी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, कि जो हम लोग अपनी आंखों से प्रकाश देखते हैं, दृश्य प्रकाश,
उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, यहाँ पर आपको बताना है कितनी फ्रीक्वेंसी होती है दृश्य प्रकाश की। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है ए नंबर ये आंसर ये सही है, देख लेते हैं। हाँ यहाँ पर ये आंसर सही है, 4 × 10⁴ हर्ज से लेकर 7 × 10⁴ हर्ज तक होती है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मानव आँखों की संवेदनशीलता अधिकतम होती है। तो जो मानव आँखों की संवेदनशीलता अधिकतर होती है वो ग्रीन पर होती है, ग्रीन पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ये देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन जो है हमारा सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मानव आँख के लिए कौन सा रंग संवेदनशील होता है। तो जैसा कि मैंने ऊपर ही पढ़ा है, तो यहाँ पर जो हरा रंग है ये बहुत ही संवेदनशील होता है, क्योंकि इसमें चमक बहुत होती है, दूर से दिखाई देता है, इसलिए इसका हाइलाइटर वगैरह हम काफ़ी प्रयोग करते हैं। आंसर डी, हरा रंग आँखों में सबसे ज़्यादा चमक पैदा करता है, तो रंग हरा रंग है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, हरा रंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से किसकी तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है। गामा किरणें, नीली बत्ती, औरत किरणें, माइक्रोवेव। तो यहाँ पर गामा किरणें जो होती हैं इनकी तरंगदैर्ध्य बहुत ही न्यूनतम होती है, बहुत इनकी स्पीड जो होती है बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। ब्रह्मांडीय किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसी इनमें से कौन सी किरणें हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। तो यहाँ पर जो बीटा किरणें हैं ये ऑप्शन सही है, ये विद्युत चुंबकीय किरणें तरंगे जो होती हैं ये नहीं हैं यहाँ पर, बाकी हमारी सारी हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दीप्त स्रोत की दीप्तिमान दक्षता निर्भर करती है स्रोत के आकार पर, स्रोत का तापमान पर, प्रकाश किरणों की तरंगदैर्ध्य पर, और इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा आंसर सही है। तो जो हमारा प्रतिदीप्त की दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो हमारा बी ऑप्शन सही होना चाहिए, देख लेते हैं। हाँ हमारा बी ऑप्शन जो है सही है। ये बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, 14 नंबर, प्रकाश तरंग के वेग से यात्रा करती है। अर्थात क्वेश्चन का कहना है प्रकाश की जो तरंग होती है, जो वेव होती है, वो किस वेग से ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन शो कराए गए हैं, 3 × 1010 cm/cm, 3 × 1012 cm/s, 3 × 1014 cm/s, और 3 × 1017 cm/s। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है, यहाँ पर फर्स्ट आंसर सही होना चाहिए, जो हमारे वेग से ट्रेवल करती है प्रकाश तरंग, वो उसके जो वेग होता है वो होता है 3 × 1010 cm/s। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपना 15 नंबर जो क्वेश्चन है, कार्बन आर्क लैंप सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो आपको इनमें बताना है कि जो कार्बन आर्क लैंप होता है वो सामान्यतः कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो अगर आपने लैंप के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। पहला पढ़ लेते हैं आंसर इसका, घरेलू प्रकाश व्यवस्था में, दूसरा है सड़क प्रकाश व्यवस्था में, तीसरा सिनेमा प्रोजेक्टर में, और चौथा है फोटोग्राफी में। तो कार्बन आर्क लैंप जो होता है इसमें ऐसा लैंप होता है जिसमें डीसी सप्लाई दिया जाता है 60 वोल्ट से 80 वोल्ट तक, और इसका जो प्रकाश होता है उसमें आर्क उत्पन्न होती है, इसलिए इसे आसानी से आंखों से देखा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर जो है सिनेमा प्रोजेक्टर, ये आंसर सही है। यहाँ पर इसका जो लैंप होता है इसका सिनेमा प्रोजेक्टर में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपना 16 नंबर क्वेश्चन की, ठोस कोण की इकाई क्या है। यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो सॉलिड एंगल होता है उसका मात्रक, उसकी यूनिट क्या है वो बताना है। यहाँ पर ठोस कोण, कांति, स्टेरेडियन, कैंडेला। तो यहाँ पर जो 3 नंबर है स्टेरेडियन, ये सही है। जो हमारा ठोस कोण होता है सॉलिड एंगल, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। अगर हम बात कर लें समतल कोण की तो वहाँ पर होती केवल रेडियन, यहाँ पर सॉलिड एंगल है इसलिए स्टेरेडियन। तो तीसरा नंबर हमारा सही है। अब बात कर लें कैंडेला की इकाई क्या है। ये जो UEE का पेपर बनने वाला है इसमें ये जितने भी इकाई मात्रक वगैरह हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, तो इनके अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिएगा पहले से ही। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैंडेला की इकाई यानी कैंडेला का मात्रक क्या होता है। ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
वेवलेंथ नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये है हमारे कैंडला की इकाई होती है, मात्रक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 18 नंबर क्वेश्चन होता है ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक क्या है, स्टेरेडियन कैंडला ल्यूमेन लक्स। तो स्टेरेडियन तो हो गई सॉलिड एंगल की, कैंडला हो गई यहाँ पर इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, और लक्स हो गई हमारी इल्यूमिनेशन की। तो यहाँ पर तीसरा नंबर बचा ल्यूमेन, तो ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई होती है ल्यूमेन। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप लगभग एक वर्णी प्रकाश देता है, यानी कि एक वर्णी एक दिशा में कौन सा प्रकार कौन सा लैंप प्रकाश देता है, सोडियम वेपर लैंप, GLS लैंप, ट्यूबलाइट, मरकरी वेपर लैंप। तो यहाँ पर सोडियम वेपर लैंप जो होता है जिसमें सोडियम गैस भरी होती है, यहाँ पर ये आंसर सही है, ये एक वर्णी प्रकाश देता है। 20 नंबर क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं, घरों में इल्यूमिनेशन लेवल का रेंज है, तो घरों में जो हम लोग इल्यूमिनेशन लेवल की रेंज कितनी होती है, तो देख लेते हैं 10 से 20 ल्यूमेन मीटर पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, 30 से 40 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, 40 से 75 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, और 100 से 140 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर चौथा जो है यहाँ पर ये सही होगा, क्योंकि इतनी रेंज पर हम लोग इल्यूमिनेशन की लेवल होता है, इतनी रेंज होती है हमारी।